वेलकम बैक। क्या हाल है? फाइनली आज अपने पास है नथिंग का CMF फोन बन। इस फोन को मैं पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और अच्छे से फोन की टेस्टिंग कर ली है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है और 33 W की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। वेल, मैं YouTube के ऊपर चेक कर रहा था, किसी ने अभी तक भाई इस नथिंग के CMF फोन बन का चार्जिंग टेस्ट ही नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसका चार्जिंग टेस्ट किया जाए और आप सबको बताया जाए कि इस फोन को 0 to 100% पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस फोन को बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को नथिंग का जो चार्जर है वो भी बाय करना पड़ेगा या घर में जो और फोन के चार्जर पड़े हैं उनसे ये फोन चार्ज हो जाएगा? अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, बैटरी बैकअप कैसा है, वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बाकी अगर आप लोग नथिंग का CMF फोन बन लेने का प्लान कर रहे हैं या ले लिया है तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना। आपको जो डाउट था कि भाई फोन को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी पहली बार चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करो। और हां, एक चीज बताना भूल गया, पूरे चार्जिंग टेस्ट में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो केबल देखने को मिलती है नथिंग की, उसी को हम लोग यूज करेंगे। और नथिंग का जो फोन है वो PD चार्जर को सपोर्ट करता है। तो हमने एक थर्ड पार्टी चार्जर बाय किया 33 W का PD चार्जर, उसी से हम लोग फोन को चार्ज करेंगे। फाइनली सब कुछ आ गया, स्टॉपवॉच भी आ गई। और इस टाइम पर अगर आप लोग फोन में बैटरी चेक करें तो मैं आपको सेटिंग के अंदर इसका बैटरी का सेक्शन बताऊं तो आप लोगों को फोन में 5% बैटरी देखने को मिलती है। और कोई भी बंदा भाई अपने फोन को पूरा डेड नहीं करता, 5-10% के ऊपर ही फोन को चार्जिंग के ऊपर लगा देता है। तो मैं यहां पर अब चार्जिंग को स्टार्ट करता हूं और स्टॉपवॉच को मैंने ऑन कर दिया और आपके सामने चार्जिंग है यहां पर फोन की, वो स्टार्ट हो चुकी है। अब चार्जिंग स्टार्ट करते ही फोन के टेंपरेचर की बात करें तो फोन का टेंपरेचर आप लोगों को 35 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। वहीं रूम का जो टेंपरेचर है वो आप लोगों को 29 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी अब मैं आपको मिलता हूं 5 मिनट के बाद और देखते हैं कि 5 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में जो 12% बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है। वेल, मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग के अंदर इसका जो बैटरी का सेक्शन है ये भी चेक करवा दूं तो यहां पर भी आप लोगों को 12% बैटरी देखने को मिलती है। बाकी अब मैं आपको मिलता हूं 15 मिनट के बाद और 15 मिनट चार्ज करने के बाद देखते हैं इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और हां, चार्जिंग स्टार्ट करते से पहले आपको बताना भूल गया था, मेरे फोन के अंदर सिम लगी है, आप लोग चेक करो नेटवर्क आ रहे हैं, ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट सब कुछ बंद है, सिर्फ सिम के जो नेटवर्क है वो चले हुए हैं। और नॉर्मली बंदा अपने फोन को चार्ज पर लगाते तो सिम ऑन रहती है, बाकी सब वो बंद कर ही देता है। बाकी 15 मिनट बाद मिलता हूं और देखते हैं कितनी बैटरी चार्ज होती है 15 मिनट चार्ज करने के बाद। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए यहां पर 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में जो बैटरी है भाई 28% चार्ज हो चुकी है। वेल, अगर मैं आप लोगों को इसका सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन बताऊं तो यहां पर आप लोगों को 29% बैटरी देखने को मिलती है। और 15 मिनट चार्ज करने के बाद टेंपरेचर की बात करें तो फोन का जो टेंपरेचर 35 डिग्री जाके हो चुका है एंड चार्जर के टेंपरेचर की बात करें तो 36.5 डिग्री टेंपरेचर आपको चार्जर का देखने को मिलता है। बाकी अब आपको मिलता हूं आधे घंटे के बाद, देखते हैं कि 30 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाया आधा घंटा यानी कि 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और 30 मिनट बैटरी चार्ज करने के बाद फोन में बैटरी की बात करें तो फोन में 52% बैटरी चार्ज हो गई है। तो आधे घंटे के अंदर फोन जो 50% चार्ज हो गया जैसा कंपनी ने क्लेम किया था, वैसा भाई ये आधे घंटे के अंदर 50% से ज्यादा चार्ज हो चुका है। फिर बैटरी का सेक्शन देखिए, यहां पर आप लोगों को 53% बैटरी देखने को मिलती है। बाकी अब मैं आपको मिलता हूं 45 मिनट के बाद और देखते हैं कि 45 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हुई है। बट उससे पहले टेंपरेचर चेक कर लेते हैं तो फोन का जो टेंपरेचर है आधा घंटा चार्ज करने के बाद आप लोगों को 36 डिग्री के आसपास मिलेगा और जो चार्जर का टेंपरेचर है ये आप लोगों को 38 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। तो ना ही फोन ज्यादा हीट किया ना ही चार्जर ज्यादा हीट किया। बाकी मिलता हूं 45 मिनट के बाद। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बैटरी की बात करें तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा कितनी बैटरी चार्ज हुई है, आपके सामने देखता हूं तो फोन में जो बैटरी है भाई 72% जाकर के चार्ज हो गई है। तो हां, 33 W के चार्जर के हिसाब जो स्पीड है वो आपको अच्छी देखने को मिल रही है। सेटिंग के अंदर इसका बैटरी का सेक्शन चेक करें तो यहां पर भी 72% देखने को मिल रही है।
अब हम लोग टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि भाई 45 मिनट फोन को चार्ज किया है तो फोन का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर फोन का टेम्परेचर आपको 35 डिग्री देखने को मिलता है और जो चार्जर का टेम्परेचर है वो आप लोग को 38 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी अब फोन को एक घंटा चार्ज करता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ, देखते हैं कितनी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्या एक घंटे के अंदर ये फोन पूरा फुल चार्ज हो जाएगा कि नहीं होगा, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब बैटरी की बात करें तो फोन को एक घंटा चार्ज करने के बाद फोन में भाई 80% बैटरी पूरी चार्ज हो चुकी है। अगर आप लोगों को मैं इसका सेटिंग के अंदर जो बैटरी का सेक्शन है ये चेक करवाऊं तो यहां पर भी 80% बैटरी है। अब एक घंटा फोन को चार्ज किया है, फोन के टेम्परेचर की बात करें तो 33 डिग्री के आसपास फोन का टेम्परेचर है और चार्जर का टेम्परेचर आप लोगों को 36 डिग्री के आसपास में मिलता है। तो ना ही फोन ज्यादा हीट किया है ना ही चार्जर ज्यादा हीट हुआ है। बाकी अब मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटे 15 मिनट के बाद और देखते हैं क्या 1 घंटा 15 मिनट के अंदर ये फोन पूरा फुल चार्ज हो जाएगा कि नहीं होगा। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया। अब बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट फोन को चार्ज करने के बाद फोन में 94% बैटरी जो है चार्ज हो चुकी है। बैटरी सेक्शन के अंदर भी आपको 94% बैटरी देखने को मिल रही है। बाकी अब टेम्परेचर की बात कर ले तो यहां पर फोन को 1 घंटा 15 मिनट चार्ज करने के फोन का टेम्परेचर आप लोगों को पूरा 34 डिग्री देखने को मिलता है एंड जो चार्जर का टेम्परेचर है वो आप लोगों को 36 डिग्री। बाकी अब मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटा 20 मिनट के बाद और देखते हैं 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा कि नहीं होगा। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं और 1 घंटा 20 मिनट बैटरी चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में 97% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। पूरा फुल चार्ज होने के लिए 3 मिनट बता रहा है बैटरी सेक्शन के अंदर। अगर टेम्परेचर चेक कर लेते हैं 1 घंटा 20 मिनट चार्ज करने 34 फोन का टेम्परेचर और चार्जर का टेम्परेचर 36 डिग्री देखने को मिलता है। बाकी अब देखते हैं फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। फाइनली रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि CMF फोन 1 को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अगर आप लोग इस टाइम पर बैटरी देखें तो 100% चार्ज हो चुकी है, ऊपर जो चार्जर का आइकन है वो भी चला चुका है, बैटरी फुल बता रहा है बैटरी सेक्शन के अंदर और टाइमिंग आपके सामने है 1 घंटा 26 मिनट लग जाएंगे इस फोन को पूरा फुल चार्ज करने में। लेकिन अगर आपका फोन पूरा का पूरा डेड पड़ा है बंद पड़ा है तो आपका भाई 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा CMF फोन 1 को 33 वॉट के फास्ट चार्जर से पूरा फुल चार्ज करने में। तो अगर आप लोग CMF फोन 1 को बाई करने का प्लान कर रहे थे कि अगर आप लोगों को देखना था इस फोन को 33 वॉट के फास्ट चार्जर से पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है तो रिजल्ट्स आपके सामने है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी जल्द ही इस फोन का गेमिंग टेस्ट मेरे चैनल के ऊपर आने वाला है तो अगर आप लोग इस फोन को बाई करने का प्लान कर रहे हैं उस वीडियो को देख करके अपने फोन को बाई करने का प्लान बनाना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये रहा पूरा रियल रिजल्ट।